हेलो गाइस, द उदय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक लोग ऑनलाइन सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया। इंडिया में हम लोग किस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोग ऑनलाइन अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। यस गाइस, आज के दौर में आप लोग देख भी रहे होंगे कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े क्रिएटर्स किस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन में उन लोगों ने महारत हासिल कर रखी है। और अर्निंग की बात करें तो इतनी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं वो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज का ट्रेंड बहुत ही बदल गया है, तो आज कुछ इसी टिप्स पे बात करेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग के जो बड़े बड़े सोर्सेस है वो है क्या। ऐसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारी वीडियो में कि ऑनलाइन के तो जो सोर्सेस है बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन उसमें से जेन्युइन सोर्सेस क्या है? क्या हर प्लेटफॉर्म पे जाकर उतना अर्न किया जा सकता है? तो इसी डाउट को आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए वीडियो पर बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन एक्टिव जरूर कर ले, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन ऐसे बड़े दो प्लेटफॉर्म हैं जिनसे हम किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ही बड़े लेवल पर स्केल कर सकते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। आप लोग हैरान हो जाएंगे इसके फैक्ट को जानकर कि ब्लॉगिंग है क्या और ब्लॉगिंग से कैसे लोग 6 digit to 8 digit में अर्निंग करते हैं, मिलियंस में कमाते हैं ब्लॉगिंग करके। यस गाइस, नहीं समझ पा रहे होंगे कि ब्लॉगिंग से इतना अर्निंग कैसे किया जा सकता है। ब्लॉगिंग आखिर है क्या? आप लोग जब इंटरनेट पे जाकर गूगल खोलते हैं और उसमें कुछ भी डाटा को सर्च करते हैं, कुछ भी आप लोगों ने, मान लीजिए आप लोगों को किसी जॉब्स की जानकारी चाहिए या ऑनलाइन सोर्सेज से अर्निंग कैसे होती है, अगर आप लोग जाके गूगल पे टाइप करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया, तो आपको वहाँ कुछ top 10 रिजल्ट्स दिखते हैं। तो वो सब जितने भी डाटा है ना, लगभग डाटा वो ब्लॉग्स का होता है। मतलब जितने भी वेबसाइट आप देखते हैं, लगभग वो वेबसाइट जो है वहाँ पे कंटेंट को क्रिएट किया जाता है, जो हमारे और आप जैसे बंदे ही उस कंटेंट को क्रिएट करते हैं इस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इस ब्लॉगिंग मतलब इसका फील्ड बहुत ही बड़ा है। अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आपको इसको पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। गूगल में जाके सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें, इसके बारे में पढ़ें क्या है यह। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो दूँ। तो ब्लॉगिंग जो है, इसके बारे में आप ज़रूर जानें और इसे सीखें अगर आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अर्न करना चाहते हैं। तो ये रहा पहला पॉइंट, ब्लॉगिंग जो सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का, एक अच्छा जरिया है। और जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब, जो आप लोग अच्छे खासे इससे रूबरू हैं। यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अच्छे खासे अर्निंग कर पाते हैं और अपने ऑडियंस के साथ अच्छा खासा इंगेजमेंट बना पाते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो देखिए, YouTube में क्या होता है, आप वीडियो बना बना के अपलोड करते हैं और अपने ऑडियंस को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे आप लोग नॉलेज देते हैं जिससे आपको आपके चैनल को विज़िट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आपका चैनल ग्रो करता है। उसके बाद जब चैनल पे अच्छे खासे आपके ऑडियंस बिल्ड हो जाते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो आपका एड्स के द्वारा आने लगता है। उसके बाद आप इस पर कुछ भी अल्टरनेट अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं जिससे आपकी सेल्स बढ़ती है और आप YouTube पे और ग्रो करते हैं। तो इस तरह से YouTube पे आप मतलब कम टाइम में ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। लेकिन वही बात करें अगर ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग अच्छा फील्ड है अर्निंग करने का, अच्छा सोर्स है अर्निंग करने का।
बट उसमें क्या है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसे SEO के माध्यम से गूगल के टॉप पेज में रैंक करवाते हैं। या तो हम लोग को ई कॉमर्स एक वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं, उसके ऊपर रिव्यू करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उसके बाद पीपल वहाँ विजिट करते हैं और एफिलिएट मार्केट के थ्रू से हम लोग वहाँ पे अर्न कर पाते हैं। लेकिन यूट्यूब में इतना सक्सेस क्यों है? यूट्यूब पे हम लोग डायरेक्ट वीडियो बनाकर यूज़र इंगेजमेंट ज़्यादा लेते हैं और ज़्यादा से जल्दी हमारा चैनल ग्रो करता है और हम लोग यहाँ पे जल्दी सक्सेस भी कर पाते हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत ही जेन्युइन और अच्छा है तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेस कर जाओगे यूट्यूब पे, और यहाँ पे भी आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हैं और ब्रांड डील्स आपको मिलती है और बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि यही दोनों जो प्लेटफॉर्म है, एक ब्लॉगिंग और दूसरा यूट्यूब, जिसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। आप बोलिएगा कि ऑनलाइन इनकम ऑफ सोर्सेज तो बहुत है, सोर्सेज तो है, लेकिन जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है यही है, ब्लॉगिंग और यूट्यूब। इसी के जरिए पूरे जितने भी आप बड़े बड़े कंपनीज देखते हैं या बड़े बड़े क्रिएटर्स जो बने हैं आज, वो घर पे बैठकर ब्लॉगिंग और यूट्यूब करके ही आज उतना आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने 5 से 10 साल लगाए इस ब्लॉगिंग और यूट्यूब के करियर में और आगे बढ़ पाए और अलग अलग फील्ड में घुसे। आप जैसे बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सेम प्रोसेस उसका भी है, बस वो मतलब वो भी एक ब्लॉगिंग का पार्ट है। मतलब ब्लॉगिंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। इसके गहराई में जब जाइएगा तब आपको पता चलेगा ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग के जरिए ही वहाँ पे ब्लॉग्स बनाए जाते हैं जिसमें आप अपने सेल्स को प्रमोट करते हैं। अब वो सेल्स कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है या आपका कोई भी और टेक्निकल बेस्ड हो सकता है। तो अगर आपको ऑनलाइन में कुछ भी अर्निंग करना है तो आप हमेशा याद रखें कि आप इस दो प्लेटफॉर्म पे उतरे, या तो ब्लॉगिंग या तो यूट्यूब। ये दोनों करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और इन दोनों को करने के लिए आपको एक अच्छी खासी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही प्राप्त हो सकता है। यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही नॉलेज और कुछ वैल्यू दे सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक हैव ए नाइस डे, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।